हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं ओप्पो F21 प्रो और वीवो T1 और इन दोनों स्मार्टफोन से जुड़ी सभी डिटेल्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में और इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेटर है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओप्पो F21 प्रो में 6.43 इंच की एमोलेड और 90Hz रिफ्रेश रेट वाली अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो दूसरे स्मार्टफोन से अच्छी डिस्प्ले है। और अब देखते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर को। दोनों स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 680 वाला वेलेन गुड प्रोसेसर मिल जाएगा, जिससे परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा। और ओप्पो F21 प्रो में बैक में 64+2+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का स्मार्ट कैमरा देखने को मिलता है, जो वीवो T1 से अच्छा मेगापिक्सल का और गुड क्वालिटी का है, जिससे आप अच्छी फोटोशूट कर सकेंगे। और दोनों स्मार्टफोन में लगी बैटरी और चार्जिंग की कंपैरिजन करें तो वीवो T1 में 5000mAh की बैटरी और 44W का चार्जिंग देखने को मिलता है, जिससे आप कम टाइम में फुल्ली बैटरी चार्ज कर पाएंगे। और दोनों स्मार्टफोन में रैम और स्टोरेज के मामले से देखें तो दोनों स्मार्टफोन में अच्छी रैम और स्टोरेज देखने को मिलता है। और दोनों स्मार्टफोन की इंडिया में प्राइस को देखें तो ओप्पो F21 प्रो 22,000 और वीवो T1 15,000 में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इन सारे फीचर्स को देखते हुए ओप्पो F21 प्रो में सेकंड स्मार्टफोन की कंपेयर में थोड़े अच्छे फीचर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए एक अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिसे ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।